નમસ્કાર મિત્રો, કોરોના મહામારી સામેના સંઘર્ષમાં હવે પછીનો સમય આપણી વ્યક્તિગત સમજદારીનો છે. સંયમ અને નિયમ સાથે જીવતા શીખીશું ને તો કોરોના ચોક્કસ હારશે અને સાચા અર્થમાં આપણે જીતીને જીવી જઈશું. ડરવાની જરૂર નથી, પરંતુ માનસિક સજ્જતા સાથે સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. તંદુરસ્ત વિચારો સાથે આપણી તંદુરસ્તી આપણે સાચવવાની છે. પોઝિટિવ ન્યૂઝ નેટવર્કની શ્રેણી કોરોના સે જંગ સકારાત્મક કદમો કે સંઘની પ્રસ્તુતિમાં આપની દોસ્ત દીપા દેસાઈને વર્તમાન સંજોગોને અનુરૂપ મિત્રોના સકારાત્મક સંવાદ સંદેશાઓ મળી રહ્યા છે. કોરોના મહામારીનો અંત આપણી સહિયારી જવાબદારીમાં છે. આઈએ અભી સુનતે હૈ, મશહૂર ગાયિકા, સંગીત વિશારદ ઓર જાની માની સ્ત્રીરોગ વિશેષજ્ઞ ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડોક્ટર પૂજા દીવાન કા સંદેશ. પોઝિટિવ ન્યૂઝ ચેનલ મે મેં ડોક્ટર પૂજા દીવાન અપની પોઝિટિવ થોટ્સ सकारात्मक विचार आप सबके साथ इस कोरोना वैश्विक महामारी के संकट की घड़ी में बांटने के लिए आज यहाँ उपस्थित हूँ. दीपा जी, मुझे इस मंच पर अपने शो में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इस लॉकडाउन के समय को मैंने अपने पुनः खोज, आत्मचिंतन और विपश्यना यानी सेल्फ रीडिस्कवरी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और इंसाइटफुलनेस का एक सुनहरा अवसर माना है. जो इच्छाएं पीछे रह गई थी, जो शौक और ख्वाहिशें जीवन की भागदौड़ में पीछे छूट गई थी, अधूरी रह गई थी, और जो कार्य मेरे अपूर्ण रह गए थे, उन सब को पूर्ण पूरा करने का ये एक अनोखा मौका है. घर परिवार तक में रिश्तों की डोर को मोह के धागों से पिरोने का और प्यार से सींचने का भी यह ईश्वरीय अवसर है. इस बीमारी के कारण हम अपनी नेचर, अपनी प्रवृत्ति पहचान पाए. जीवन में नवरस की तरह कोरोना वायरस से शुरू में अचंभित, फिर कुछ घबराए, कुछ भयभीत, कुछ चिंतित, कुछ घृणित, कुछ समाज के प्रति संवेदनशील, कुछ स्ट्रेस्ड, कुछ एंग्शियस और आज कुछ आशावादी और हिम्मती. आज समाज स्वयं को संयम में रखने लगा है, नियमों का पालन करने लगा है. कुछ बातें उसने अपना ली हैं, वे ऑफ लाइफ समझकर कोरोना से बचने के लिए लंबे समय तक, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग. मैं एक मेडिकल डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ. आज समाज में मैं हृदय परिवर्तन, भावना परिवर्तन देख रही हूँ. आरोग्य कर्मी जैसे डॉक्टरों के प्रति, सुरक्षा कर्मी पुलिस के प्रति, सेवा कर्मी और सरकार के प्रति, क्योंकि ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, जान पर खेलकर हम देशवासियों की, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं. आज लोग डॉक्टर को देवदूत मान रहे हैं. हम आरोग्य कर्मी इंसान हैं, भगवान का स्वरूप नहीं. जब हम लोग डॉक्टरी की शपथ, ओथ को धारण करते हैं, तो मरीजों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म माना गया है. यदि ये धारणा सही है कि हर इंसान में भगवान का वास होता है, तो उसको नजर में रखते हुए हर मरीज में भी तो भगवान का ही वास होता है. ये पहली बात, पहली बीमारी नहीं है कि डॉक्टर खतरों से जूझ रहे हैं. डॉक्टर दिन प्रतिदिन खतरनाक बीमारियों से जूझते ही रहते हैं. समय बहुत बलवान होता है. पहले भी महामारी आई है, कठिन समय टल ही जाता है. आज रात है तो कल सवेरा होगा ही. इसी बात पे मेरा सभी श्रोतागण से ये विनम्र आग्रह है कि आप सब सकारात्मक रहें, संवेदनशील रहें, सतर्क रहें, सशक्त रहें, सुरक्षित रहें,
सबल रहें, समाज में चेतना जगाएं और जागृति लाएं। शुक्रिया। मित्रों, आपणी समझदारी, स्वास्थ्यना नियमोनी तकेदारी अने सरकार तेमज सेवारक्षक दळोनी सूचनाओनुं पालन कोरोना सामेना संघर्षमां सफळता चोक्कस अपावशे। पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क आपनी साथे छे।